छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर बुधवारी चकमक झाली. या पोलीस आणि नक्षलवाद्यांच्या चकमकीत महाराष्ट्राच्या विशेष दलाच्या C60 कमांडोनी 12 नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला. गडचिरोली जिल्ह्यात पोलिसांनी नक्षलवाद्यांविरोधात एक धडक मोहीम हाती घेतली आहे आणि त्यानुसार ही कारवाई केली जाते. नक्षलवाद्यांबाबतची माहिती पोलिसांना मिळाली आणि त्यानुसार सापळा रचला गेला. त्यानंतर पोलीस आणि नक्षलवादी यांच्यात जोरदार फायरिंग झाली. त्यात 12 नक्षलवाद्यांना यमसदनी पाठवण्यात यश आलं. गडचिरोली पोलिसांचं हे मोठं यश मानलं जात आहे. C60 कमांडो आणि गडचिरोली पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई केली आहे. घटनास्थळावरून 7 स्वयंचलित शस्त्र जप्त केली आहेत आणि यापैकी जवानांनी 3 AK-47, 2 NSAS आणि 1 कार्बाईन तसंच 1 SLR जप्त केला आहे. बुधवारी सकाळी 10 ही चकमक झाली. नक्षलवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार सुरू केला. नक्षलवाद्यांच्या या गोळीबारात C60 कमांडोंचे उपनिरीक्षक सतेश पाटील यांच्या खांद्याला गोळी लागली आणि ते जखमी झाले. यानंतर जवानांनी तात्काळ प्रतिक्रिया म्हणून नक्षलवाद्यांवर जोरदार गोळीबार केला. सुमारे 3 ते 4 तास चाललेल्या या चकमकीत जवानांनी 12 नक्षलवाद्यांना ठार केलं. पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांनी या थरार नाट्याची सविस्तर माहिती दिली आहे. एरिया सर्च में जब रात में हमारे लोगों ने एरिया सर्च किया तो उसमें हमें 12 माओवादियों के मृतदेह मिले हैं, जिसमें 11 ऑटोमेटिक वेपन के साथ, 7 ऑटोमेटिक वेपन के साथ कुछ 11 हथियार हमने जब्त किए हैं. ये 12 माओवादी में 7 पुरुष माओवादी और 5 महिला माओवादियों के मृतदेह हैं. कल के इस अभियान में मुठभेड़ में ये पूरी दलम टीपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चांदगांव कसनसूर दलम के 7 सदस्य, कुल 12 के 12 सदस्यों का कल खात्मा गढ़चुली पुलिस ने किया है. पूरी उत्तर गढ़चुली से माओवादी चढ़वल का, माओवादी संगठना का हमने निपटारा किया है कल के अभियान के बाद. कल 18 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे हमें गोपनीय माहिती मिली थी कि वंडोली गांव महाराष्ट्र कांकेर सीमा पर लगी हुई, वहां पर कुछ सशस्त्र माओवादी टीपागढ़ दलम और चांदगांव कसनसूर दलम के इन्होंने डेरा लगाया है. आगामी होनारे नक्सल सप्ताह जो होने वाली है 28 जुलाई से, उसको लेकर के उनकी कुछ बड़ी योजना चल रही है. इसको लेकर के तत्काल DYSP ऑपरेशन श्री विशाल नागरगोजे और 7 C60 यूनिट कुल 200 कमांडो की टीम को भारी बरसात में हमने ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया. 5 भरे हुए नदी नाले को क्रॉस करके ये अभियान के ठिकान पे जब पहुंचे तो वहां पर इन माओवादियों ने जो डेरा लगा के रखा था उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर गोलीबार शुरू की और उसका प्रत्युत्तर देने में कुल 6 घंटे तक, दिन के 1 बजे से शाम के 7 बजे तक गोलीबार चलती रही और शाम में अंधेरा होने के बाद कुछ माओवादियों ने इसका फायदा लेकर के वो जंगल से भागने में सफल हुए. एरिया सर्च में जब रात में हमारे लोगों ने एरिया सर्च किया तो उसमें हमें 12 माओवादियों के मृतदेह मिले हैं, जिसमें 11 ऑटोमेटिक वेपन के साथ, 7 ऑटोमेटिक वेपन के साथ कुछ 11 हथियार हमने जब्त किए हैं. ये 12 माओवादी में 7 पुरुष माओवादी और 5 महिला माओवादियों के मृतदेह हैं और इसमें 3 अति वरिष्ठ काडर, जिसमें डिविजनल कमेटी मेंबर योगेश तुलावी जो चांदगांव कसनसूर दलम का इंचार्ज था, लक्ष्मण अलियास विशाल आतरम जो ज्वाइंट कोरची टीपागढ़ एलओएस का इंचार्ज था, और प्रमोद कछलामी जो डिविजनल कमेटी मेंबर और टीपागढ़ एलओएस का इंचार्ज था. ये 3 डिविजनल कमेटी मेंबर, 4 एरिया कमेटी मेंबर और 5 प्लेटून मेंबर, ये इनका समावेश है. हथियार में 11 हथियार में से 7 स्वचालित हथियार है, जिसमें 3 AK-47, 1 SLR, 2 इंसास और 1 कार्बाइन का समावेश है. और ये 12 माओवादियों के ऊपर 300 से ज्यादा गुने इनके ऊपर दखल हैं. और सबसे हर्ष की बात यह है कि उत्तर गढ़चुली में केवल 2 आर्म्ड फॉर्मेशंस अभी शिल्लक रह गए थे, जिसमें टीपागढ़ दलम और चांदगांव कसनसूर दलम थी. और कल के इस अभियान में मुठभेड़ में ये पूरी दलम टीपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चांदगांव कसनसूर दलम के 7 सदस्य, कुल 12 के 12 सदस्यों का कल खात्मा गढ़चुली पुलिस ने किया है. और ये बताने में हर्ष हो रही है कि उत्तर गढ़चुली में अभी आज के दिन में 1 भी सशस्त्र माओवादी की कुछ भी कोई भी बचा नहीं है और पूरी उत्तर गढ़चुली से माओवादी चढ़वल का, माओवादी संगठना का हमने निपटारा किया है कल के अभियान के बाद. और इस पूरे अभियान में हमारे 3 जवान और अधिकारी जख्मी हुए हैं. 1 C60 के अधिकारी सतीश पाटिल और 2 C60 के जवान, इनको गोली की जख्म हुई है, जिनकी अधिक ट्रीटमेंट के लिए हमने हेलीकॉप्टर से उनको इवैक्यूएट करके नागपुर में उनको एडमिट कराया है और अभी वो डेंजर से बाहर है. मृत 12 नक्षलांवर खून, जाळपोळ, दरोडा यांसारखे सुमारे 300 गुन्हे नोंद आहेत.
2021 मध्ये झालेल्या मार्दिन टोला चकमकीनंतर गडचिरोली पोलिसांना मिळालेलं हे सर्वात मोठं यश आहे. या चकमकीनंतर कोरची टिपागड आणि चातगाव कसनसूर दलम हे पूर्णपणे संपल्याचं पोलीस अधीक्षक निलोत्पल म्हणालेत. तर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री फडणवीसांनी या कारवाईत सहभागी जवानांना 51 लाख रुपयांचा विशेष बक्षीस जाहीर केलाय. चकमकीत जखमी झालेले उपनिरीक्षक सतीश पाटील, जवान शंकर पोटावी आणि विवेक शिंगोळे या तिघांवर उपचार सुरू आहेत आणि त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. 2021 पासून 3.5 वर्षात गडचिरोली पोलिसांच्या नक्षलविरोधी कारवाईत 80 नक्षलवादी ठार झालेत तर 102 जणांना अटक करण्यात आली आहे आणि या दरम्यान 29 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलंय. ब्युरो रिपोर्ट, लोकमत.com.